हजार वर्ष पहले पूर्वाकोट गणराज के राजा पुलसी और दाई हिरवा, उनका पुत्र जिसका नाम था पानी पारी गोपाल लिंगो गुरु, जिसने हमारी इस गोंडी भुइया में और समस्त कोई तुर सका समाज के लिए धर्म रीति रिवाज और संस्कार बनाया, रिश्ते और नाते बनाया। उन्होंने किसको काका, किसको मामा, किसको नाना, किसको नानी, ये सारे रिश्ते उनने बना करके और हमको दिया। ऐसे महान हमारे पानी पारी गोपाल लिंगो धर्म गुरु ने और हमारी इस कोयतुर सगा समाज के लिए व्यवस्था बनाया, जिसका संकेत हमारे महान गुरुओं को प्राप्त हुआ, जो आचार्य मोती रमन गंगाली जी ने, और प्रेरणा हुई उनको तो उन्होंने सारी कोई तुलसका समाज को साहित्य दे दिया, इतिहास दे दिया, जिसके माध्यम से सगा जनों आज हम और आप यहाँ तक पहुँच गए, जो हमारी संस्कृति के बारे में आपको पता चल गया। इस प्रकार से मेरे बंधुओं, यह हमारा संस्कार है। क्या है संस्कार? यदि हम एक पंडित जी से पूछेंगे कि पंडित जी हमारे एक देव का नाम बताओ, तो पंडित जी बताएगा क्या? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं, तो वो क्या बताएगा? नहीं बताएगा। एक मौलाना से, एक मौलवी साहब से भी पूछेंगे कि मौलवी साहब आप हमारे दो देव के नाम बताइए, बताएगा का? नहीं बताएगा। इसी प्रकार से अगर हम क्रिश्चियन के गुरुओं से पूछें, बौद्ध धर्म के गुरुओं से पूछें और अनेक गुरुओं से पूछें, तो वो हमारी संस्कृति के बारे में जानने इसलिए लगे कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं कि इनकी रिश्तेदारी कैसे बनती है और इनके संस्कार कैसे हैं। इस प्रकार, लेकिन उनके द्वारा हमारे लोग गलत काम करवाते हैं और उससे हमको कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब वेद शास्त्र लिखे गए जिस समय, तो चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 9 ग्रंथ, इस प्रकार से वेदों की रचना हुई। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने वेद को लिखा, पर गोंडों की संस्कृति के बारे में उसमें कुछ नहीं दिया। क्या दिया है? आप लोग सब पढ़ते होंगे, जब से जाने तब से माने, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा होता है, क्योंकि हम लोग भूल चुके थे और उनका गुणगान कर रहे थे, लेकिन गुणगान हम इसलिए नहीं छुड़वा सकते, उस परमेश्वर फड़ापेन बड़ा देव का कड़कड़ में बास होता है, जो सबको लेकर चलने वाला होता इस धरती से। वो नहीं कहता कि तू फला समाज का, तो तू हट जाए यहां से। ये फड़ापेन के रूप रंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा। हवा सबके शरीर में काम कर रही है, सबके जीव आत्मा में बास कर रही है, और चींटी से लेकर के हाथी और बड़े से बड़े जीव जंतु पर भी वह काम कर रही है, जिसके बल से और इस दुनिया में, इस सृष्टि में जीवन जीने का एक हमारा फड़ापेन साथ देता, जिसे हम फड़ापेन कहते, जो भगवान कहता है कि भगवान वही है जो रग रग में समाया, कड़कड़ में भगवान वही कहलाता है जो हमें जीने का सत्मार्ग देता है। भगवान के रूप पांच हैं, भूमि, गगन यानी आकाश, वा यानी वायु, आने अग्नि और ना यानी नीर, ये पांच तत्वों से भगवान का विस्तार बना हुआ है। ये सबे सबके लिए काम करता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। और कुछ ऐसे ही गुरु थे, कुछ ऐसे ही व्यवस्थाएं थी, जिस समय हमारे लोगों को उनके दर्शन नहीं मिलते थे, उनके मंदिरों में जाने के लिए छूत अछूत मान करके हमें बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन हमारे लोगों को पता होने के बावजूद भी वही सब कुछ अच्छा लगा और उसकी बात हम मान गए और मान करके उनकी जय जयकार करने लगे, लेकिन हमारी बातों को भूल गए। ऐसा हमारे साथ में हुआ बंधु।
क्योंकि ये फड़ा पहन बड़ा दो किसी से भेद नहीं करता। जय 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 फड़ा पहन हितकारी सुन ले नाद पेन बढ़ा दो, तू सबका हितकारी है, सब नकार दे लेकिन तू परम शक्ति हमारी रक्षा करना और हमारे तन में मन में बास करना। आपके इस सृष्टि में हम लोग विचरण करते हैं, आपके धरा धरती दाई में हम बास करते हैं, आप ही तो फड़ा पेन बड़ा देव है, आपकी जय सेवा जोहार है। इस प्रकार से मेरे माता पिता शक्तियों, जो जिस समय हमारा तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण यानी बहुत तेज बुद्धि वाला महामानव मानवल जिसको कहते हैं, वह था बाबा कुपार लिंगो। बाबा कुपार लिंगो ने हमारी सगा समाज के लिए सारी व्यवस्था बना के गया, जिसके आज भी हम ऋणी हैं और उनकी संस्कार पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यवस्थाओं में हमारी सगा समाज भटक रही है। नहीं, अब हमको एक लाइन और एक रंग में सच कर चलना पड़ेगा। जब हम जागेंगे तब हमारी समाज को संस्कृति और संस्कार के बारे में ज्ञान होगा। हमारे लोग अनेक धर्म गुरुओं के द्वारा जन्म संस्कार करवाते हैं, विवाह संस्कार करवाते हैं, मृत्यु संस्कार करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ये उनकी गलती नहीं, क्योंकि हमारे मैं बताया कि बुद्धिजीवी भूमिका गुरु ना रहने के कारण अनेक गुरुओं के जंजाल में फंस करके आज ऐसा हो रहा, जबकि हमारे में मृत्यु संस्कार में जमीन में गाड़ने का नियम है, आज से नहीं, अनेकों अनेकों वर्षों से, हजारों वर्षों से। जिस समय यह व्यवस्था बनी थी उसी समय से यह प्रचलन चला, लेकिन आज संस्कार बदल गए और अग्नि संस्कार के रूप में देह संस्कार करने लगे और अन्य गुरुओं के द्वारा नाम पूछ कर अपने जन्म नौ जन्मजात बच्चों के नाम रखवाने लगे, जबकि हमारे पूर्वज दिन और महीना और वर्ष के साल के हिसाब से उनके नाम रखते थे। जैसे किसी का जन्म शुभ अवसर यानी शुक्रवार को हो गया तो सुखचैन नाम रहता था, सुभाष नाम रहता था, शनिवार को हो गया तो शनि राम, सोमवार को हो गया तो सोमचंद, इस प्रकार से नाम रखते थे हमारे पूर्वज, हमारे पुरखाल शक्ति। आज तो कई प्रकार के नाम, अंग्रेजी नाम हो गए, टिंकू पिंकू गुड्डू पिल्लू, क्या क्या नाम रखने लगे। पहले हमारे बच्चों का जन्म अपने घर पे होता था, हमारी मातृ शक्तियां सब कुछ करती थी नेंग दस्तूर से लेकर के, आज तो सब हॉस्पिटल आने अस्पतालों में जन्म होता है तो नाम वहीं दर्ज हो जाता है। अब हम भी क्या करें, नाम तो वहीं से मिल रहा, जबकि बच्चा हमारा नाम दूसरा धरा रहा और तुम खुद पूछ रहे हो। इस प्रकार से हमारे लोगों में पंचक की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं आज पंचक लग गया। अरे पंचक वो नहीं मेरे भाइयों, पंचक उसे कहते हैं जिस समय हमारे घर में और हमारी मातृ शक्ति 5 दिन के लिए घर से बाहर होती है, उसे पंचक कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचक, यानी छुट्टी से हो जाती है। उस समय हमारे घर में कोई भी ग्रह कार्य, ग्रह पूजा, घर की पूजा या कोई भी शुभ अवसर नहीं मानते। क्या मान जाते हो? नहीं मनाते ना। कितने लोगों को पता है कि हमारे घर में अगर कोई बहू या बेटी या घर की कोई दाई और छुट्टी से यानी बाहर हो जाए, एमसी पीरियड पे खुलासा बोल रहा हूँ, उस समय हम अपने घर के पवित्र कार्यों को कभी नहीं करते। कि करते हो?
नहीं करते तो ताली बजाओ। हमारे में इतना अच्छा पवित्र सत्य मार्ग है, नेम है, नेम यानी धर्म, पूरी यानी सत्य और नेम यानी धर्म या रास्ता मार्ग। उस रास्ता से चलने वाली यह हमारी कोई तुड़ सका समाज है। गैर धर्म के लोग तुम्हारे घर में यदि कुछ पूजा भी करवाना है तो वो तुमको कभी नहीं बताएंगे कि हमारे घर में ऐसी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। लेकिन हमारे भूमिकाओं में आज भी इतना बड़ा सत्य है कि अगर किसी के घर में यानी सूतक लग जाए, यानी घर में महिला ठीक ना रहे, तो वो कभी किसी के यहाँ पूजा करने, गोंगो करने नहीं जाएंगे। लेकिन अन्य गैर धर्म के धर्मगुरु बताते नहीं और हमारे घर में आके पूजा पाठ कर देते हैं। इस प्रकार से यह हमारी शुद्ध और साफ सका समाज कहलाती है। और हमको चाहिए अगर हमारे घर में इस प्रकार की व्यवस्था गड़बड़ होती है तो उस महिला को हमारे घरों में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5 दिन का नियम उनको मानना जरूरी रहता है। और अगर वो गड़बड़ करती हैं तो उनको नाना प्रकार के दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उनकी पुरखा शक्ति जो होती है ना उनको परेशान करने लगती, तो फिर अनेक पंडा पुजारी के घर जाते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो रहा, क्योंकि खुद गलती करते हैं। इसलिए हमारी मातृ शक्तियों को जरूर ध्यान देना चाहिए और उनके लिए बहुत से ऐसे नियम हैं, उनके लिए बहुत से संस्कार हैं। अब मैं कहानी पर नहीं जाता क्योंकि कहानी आप लोग अब क्या सुन पाओगे, समय भी तो हो गया। आध्यात्मिक बातों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अरे दिन डूबे दियाले सियोरे, दिन उगे अंगने बहोर, ओरे पाघर नारी सुहावे नीरे, माया की नहीं हाटो। इसलिए मात्र शक्तियों से कहना चाहूंगा कि जैसे ही दिन डूब जाता है उस समय आपको अपने घर में दीपक जलाना चाहिए, रोशनी करना चाहिए और उस पराशक्ति पड़ा पहन का गुणगान नमन करना चाहिए। इसके बाद अपना कार्य करना चाहिए। और जैसे ही दिन उगता है तो दिन निकले ही आपको अपना आंगन, अपना घर द्वार को साफ शुद्ध कर लेना चाहिए, जिससे आपके घर में जब फलापेन आएंगे तो आपको आशीर्वाद देखे जाएंगे। अगर आप 7-8 बजे तक अगर सोते रहोगे ना तो बड़ा देव कहेंगे कि इसके घर में तो बहुत गंदगी है, आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा और आप लोग दुख भोगते रहोगे। इसलिए दिन निकलने के पहले हमारी मातृ शक्तियों को जागना चाहिए और उस परम शक्ति फला पहने का गुणगान करना चाहिए। इस प्रकार से मेरे बंधु आज की यह है गाथा, आध्यात्मिक बात है। आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि हम इतनी पब्लिक जो देखे हैं, बहुत दुख की बात है कि आप लोगों को प्रवचन सुनने को नहीं मिला। आप लोग जल्दी से जल्दी कल यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करेंगे। कल 7वां दिन है पुनेम का, अने आखिरी दिन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, जिससे आप लोगों को यहाँ पर प्रवचन के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें बताए जाए और अपने सब लोग देवी देवताओं के नाम लिख के ले जाएंगे। कल सबको देवी देवताओं, अपने अपने देवी देवताओं के नाम बताया जाएगा सरनेम के अनुसार। तो आप लोग अपने साथ में डायरी और पेन लेकर अवश्य आएंगे, ऐसी हम कामना करते। बोलिए प्रकृति की शक्ति फला पेन का। और अब हमारे कोया पने में का यह ब्राह्मण लेते हुए हम उस परम शक्ति श्रद्धे फलापेन का सुमरण पाठ करते हैं और इसके पश्चात कुछ बातें रखवाएंगे हमारे बीच में महोदय।